नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट हैं, 4-5 है मिनिमम। असम में चेरापूंजी पड़ती है, वहाँ के फेमस चीज़ ऐसा खूबसूरती बहुत जगह है, खूबसूरती जगह पहाड़ी है, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। आसाम है और एक्चुअली मुझे याद नहीं है वो उसकी कैपिटल है या स्टेट है। आसाम बहुत अच्छी कंट्री है। पापोन सुना है? इज माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट। नतुन दिल्ली आसे देखर राजधानी, राजधानी दिल्ली बाकी आसे बा देखर विभिन्न प्रांतर लोक इयालै आहे, गतिके मय जानिबले चेष्टा करिम उत्तर पूर्वांचल तथा অসমৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কি জানে। নর্থ ইস্ট কে বারে মে আপকা সোচ কিয়া হে, সুনা হে নর্থ ইস্ট অর আসাম কে বারে মে? কিসকে বারে মে? নর্থ ইস্ট অর আসাম। হ্যাঁ জি। এসে সুনা হে? ঠিক আছে, নর্থ ইস্ট মে কিতনে স্টেটস হে? নর্থ ইস্ট মে কই স্টেট হে, 4-5 হে মিনিমাম। ঠিক আছে, আপ তো 7 হে, মতলব 7 সে 7 সিস্টার্স বলতে হে, নর্থ ইস্ট মে মে বলতা দেতা হু। তো কোন কোন সে নাম ইয়া স্টেটস? স্টেটস মে আসাম হে और एक्चुअली मुझे याद नहीं है वो उसकी कैपिटल है या स्टेट है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और दो रह गए, इम्फाल, आइजोल, ये नहीं, भी इधर स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है वो, उनके कैपिटल्स होंगे ना, दो रह गए। हाँ याद है मुझे, मणिपुर। हाँ मणिपुर, वो तो मेन है, वो तो भूल गई मैं, मणिपुर याद नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, आप आसाम का नाम ले रहे थे, तो आसाम के बारे में आपका सोच क्या है? एक तीन बात बोलिए जो फेमस है आसाम के बारे में। आसाम की टी, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, मेरी फ्रेंड है एक, और मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना बहुत फ्रेंडली। गए हैं कभी नॉर्थ ईस्ट और आसाम? नहीं मैं भी गई नहीं हूँ। जाने का वो क्या सोच? मेरा बहुत मन है, ये देख रहे हैं मेघालय और आसाम। थैंक यू। असम में एक तो जो चाय है, चाय के बारे में है, असम में चेरापूंजी पड़ती है। नहीं, असम में चेरापूंजी नहीं पड़ता। सेकंड थर्डली असम में IIT है, वहाँ पर भी मेरा बेटा गया था। हाँ अच्छा, घूमने के लिए अच्छा व्यू है, रास्ते में बारिश काफी पड़ती है। ये तो चेरापूंजी मेघालय पे है, बोलते हैं वो स्टेट है वहाँ पे, आसाम के वो नज़दीकी है मेघालय, वहाँ पे चेरापूंजी। थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत स्टेट है सर, जैसे मैं गया हूँ वहाँ पे पाठशाला जगह है। स्टेट सर जैसे बोंगाईगांव हो गया, ये स्टेट बोल रहा हूँ, मतलब जैसे बिहार होता है स्टेट, वो आसाम हो गया, गुवाहाटी हो गया, नॉर्थ ईस्ट में यही आता है ना, मेघालय हो गया। हाँ गुवाहाटी तो आसाम में, मतलब ऐसे मैं बोल देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट होता है, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। अच्छा। जो आसाम जैसे होता है मेघालय आपने बोला, वैसे आसाम और मेघालय अलग अलग स्टेट है। अच्छा। आसाम में गुवाहाटी है। अच्छा। तो ठीक है, आपको जो जो याद है वो बताइए। जैसे मैं एक बार गया था वहाँ पे, मेघालय गया था, तो बोंगाईगांव उतरा था, वहाँ पे सब पाठशाला गया था, जैसे जो सिटी मैंने देखी है वो। ठीक है, एक बात है, आसाम तो आप गए हैं जी, आसाम के बारे में ऐसे तीन चीज़ बताए जो फेमस है और आपको अच्छा लगा। वहाँ की फेमस चीज़ ऐसा खूबसूरती बहुत जगह है, खूबसूरती जगह पहाड़ी है, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। फेमस बताइए आपको क्या मतलब ऐसे याद आ रहा है? सर याद तो काफ़ी दिन हो गए, वैसे वैसे तो याद नहीं, लेकिन खूबसूरती जगह घूमने लायक अच्छी जगह है वहाँ पे। जी नो, टूरिस्ट के लिए अच्छी जगह है। अब फिर से जाने का वो मन कर? मन तो करता है बहुत, लेकिन सर क्या कर पाओ, फाइनेंस प्रॉब्लम को नहीं जा पाते। ठीक है, थैंक यू। आसाम यार नॉर्थ ईस्ट के बारे में? नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुना है, आसाम बहुत अच्छी कंट्री है, और आसाम की जो चाय पत्ती होती है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब वादियों के हिसाब से तो बहुत। हो या देखे हो? नहीं नहीं, मैंने बस देखा है, और मेरे कुछ दोस्त हैं आसाम अरुणाचल प्रदेश साइड के, तो वो बताते हैं मुझे, और बाकी तो वीडियोज में हम देखते हैं कि आसाम के बारे में ऐसे ज़्यादा नहीं, तीन चीज फेमस और आपको जो याद है, जो सुना है, जो अच्छा लगता है। आसाम के बारे में मेरे को वहाँ की वादियाँ और वहाँ की चाय और वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धुन। ओके, बर्बाद करे अल्फाज मेरे।
आप तो गाने से जुड़े हो, तो ऐसे पूछ रहा हूँ, आसाम के कोई सिंगर ऐसे कोई आर्टिस्ट के बारे में आपने सुना है नाम? आसाम के आर्टिस्ट बहुत सारे, नाम बोलूँगा आप तो सुना है लेकिन मैं नाम बताऊँगा आप नहीं जानते शायद, वो आसाम के हैं। वो आसाम के हैं, अभी वो इंडियन आइडल में अभी परफॉर्मिंग कर रहे हैं। लेकिन ये तो परफॉर्मर है लेकिन एक बड़ा वाला सिंगर है, आपको नाम बताऊँगा, पापोन। यस सुना है, इज माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट। और जुबिन गार्ग और एक जुबिन गार्ग, वो या अली था, वो सुबह सुबह था, और वो बंगाली गाने भी बहुत गाते हैं, वो आसाम में सबसे ज़्यादा वो हाईएस्ट गाने गा चुके हैं अभी तक, वो भी लीजेंड है। और एक नाम सुना है, भूपेन हजारिका का नाम सुना है? भूपेन भारत रत्न थे वो। ओके वो भी एक भारत रत्न थे वो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हम और आगे बढ़िए। এইদৰে আজি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাজধানী দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ আশে পাশে যিসকল লোক আহে ফুৰিবলৈ আহে বা থাকে, তেওঁলোকৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে কেনেধৰণৰ মনোভাৱ, বা দুই তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে উত্তৰ ইতিমধ্যে গমেই পালে, আৰু তাৰ মাজতে এগৰাকী শিল্পীকো লগ পালোঁ, অতি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে ইয়াত ৰৈ ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰত, তেওঁ গান গায়, তেনেদৰে উপাৰ্জন কৰে, তেনেদৰে চলে আচলতে তেওঁ। আৰু এইদৰে আমি পৰৱৰ্তী আৰু কিছু স্থানলৈ যাম, দিল্লী বহুত স্থান আছে, আমি এই স্থানসমূহলৈ যাই গৈ চেষ্টা কৰিম যে এক নতুন বিষয়লৈ, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক এক নতুন বিষয়লৈ কিদৰে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ তথা কি তেওঁলোকৰ সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কিদৰে দিয়ে, গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব NB News। আৰু এইদৰে দেখুৱাই থাকিম আমি দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিবেদন।